हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही टेस्टी मिठाई की रेसिपी। आप देख के बता भी नहीं पाएंगे कि ये इस बची हुई चीज से बनाई हुई है। मलाई से घी निकालने के बाद जो खुरचन बच जाती है, बस उसी से बनाया है आज मैंने ये बहुत ही टेस्टी मिल्क केक। स्वाद और टेक्सचर में बिल्कुल मिल्क केक जैसा बनता है ये, और बिल्कुल दानेदार और लाजवाब बर्फी बन के तैयार हुई है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ एक पैन में मैंने ले ली है 1/4 कप सूजी, बारीक मोटी कोई सी भी ले सकते हैं आप। और साथ ही में डाल रही हूँ मैं 2 छोटे चम्मच इसमें बेसन। बेसन और सूजी का मिक्स जो स्वाद आता है ना, बहुत बढ़िया लगता है। तो बस इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें भूनना है, यानी कि सेकना है। आप लगातार चलाते हुए इसे सेकते रहें जब तक कि ये ब्राउन कलर ना ले ले। तो बस हम सेकते जाएंगे इसको लो फ्लेम पे, और ये देखिए थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन कलर आ गया है। अभी थोड़ा सा और सेक लेते हैं, बढ़िया से खुशबू आने लग जाए इसमें, तब तक हमें सेकना है। ये देखिए सेक चुकी है, और अब इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में और इसे साइड में रख देंगे। और अब मैंने वापस से पैन रख दिया है गैस पे, और अब जो खुरचन बच गई थी, मैंने जो मलाई से घी निकाला था उसके बाद जो खुरचन बच जाती है, बस ये वही खुरचन है, तो मैंने इसे रख लिया था। और आज मैं इसकी मिठाई बना रही हूँ, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत गजब का टेस्ट आता है। एक बार आप बना के देखेंगे ना, दीवाने हो जाएंगे इसके। तो बस इसे डाल दिया पैन में और इसे गर्म कर लेते हैं, क्योंकि मैंने फ्रिज में रख रखी थी। तो इसे अब थोड़ी सी देर के लिए और सेक लेते हैं ताकि इसमें कोई कच्चापन ना रहे। और घी इसमें हम बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए आप इसमें घी नज़र आ रहा है, क्योंकि जो खुरचन बच जाती है उसमें घी ऑलरेडी बच जाता है। और अब यहाँ पर डाल रही हूँ मैं 1 कप दूध, बस 1 कप ही दूध यूज़ करेंगे और घी का बिल्कुल यूज़ नहीं होगा इस मिठाई में। तो बस इसे चलाते जाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता, और अभी देखेंगे आप थोड़ी देर में ये गाढ़ा होने लगेगा। बहुत ही गजब की मिठाई बनती है, मैंने जब इसे बनाया तो घर में सभी को पसंद आई है। और देखिए अब गाढ़ा हो गया है, बस थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे इसे। ये देखिए और गाढ़ा हो गया है, बस अब इसे स्टेज पे डाल देंगे। वो जो सूजी और बेसन हमने भुना था उसको डाल देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये भी पानी एब्जॉर्ब करेगी। और बस इसे चलाते जाएंगे, फ्लेम लो ही रखी है अभी मैंने, और अब चलाते रहेंगे इसे जब तक कि ये जो सूजी और बेसन है ये सारा जो है इसका दूध एब्जॉर्ब कर ले और ये एकदम सूख जाएगी। ये जो मिक्सचर है ये बिल्कुल सूख जाएगा और अच्छा सा कलर आ जाएगा इसमें, ब्राउन कलर आ जाए जब तक हमें इसे सेकना है। तो हम चलाते रहेंगे, ये देखिए अब कलर कितना चेंज हो चुका है, कितना अच्छा कलर आया है, और सारा जो दूध है वो सूख चुका है आप देख रहे हैं, और घी देखिए किनारे पे छोड़ने लगा है ये मिक्सचर। तो बस इस स्टेज तक आपको इसे चलाते रहना है। और अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 2 चम्मच मिल्क पाउडर, ये ऑप्शनल है, आप डालें तो डालें, नहीं तो इसके बिना भी बहुत अच्छी बनेगी। मैं डाल रही हूँ ताकि थोड़ा सा मावे वाला टेस्ट आ जाए, जो मिल्क केक मैंने बना रही हूँ मिल्क केक वाला टेस्ट आ जाए। बस 2 चम्मच ही डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा इसे मिक्स करेंगे। मलाई से घी तो सभी के घर में बनाते होंगे, लेकिन जो खुरचन बच जाती है उसको फेंकने की बजाय ये मिठाई बनाएं आप, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत गजब का स्वाद आता है। बनाएंगे ना तो सच में बार बार बनाने का मन करेगा आपका। बस अब इसमें चीनी डाल देते हैं, तो यहाँ मैंने 1/2 कप चीनी ली है, और इसे डाल देते हैं और मिक्स कर लेंगे जब तक कि ये मेल्ट नहीं हो जाती। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आप अगर मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ी सी ज़्यादा ले लें, वैसे इस मिठाई में मीठा कम ही अच्छा लगता है। देखिए चीनी मेल्ट हो चुकी है, और आप देख रहे हैं कितना अच्छा टेक्सचर आया है, एकदम गजब का लग रहा है ये मिक्सचर। और बस अब आप फ्लेवर के लिए आप कुछ भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ इलायची पाउडर डाल रही हूँ, और साथ में डाल रही हूँ कटे हुए बादाम। देखने में बिल्कुल मिल्क केक जैसा लुक आना चाहिए, तो बस वही मैं थोड़े से बादाम और इलायची ही डाले हैं मैंने, और कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। और घी तो हमने इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, आप देख रहे हैं फिर भी इसमें घी नज़र आ रहा है, देखिए कढ़ाई में नीचे तले में घी दिख रहा है। और देखिए तैयार है बिल्कुल, एक जगह इकट्ठी हो रही है ये, तो बस इसे निकाल लेते हैं एक टिन में। तो ये मैंने एक एल्युमिनियम का टिन ले लिया है, इसे ग्रीस कर लेते हैं घी से,
ताकि इजीली निकल आए ये मिठाई बाहर। तो अब जब भी आप मलाई से घी बनाएं और जो खुरचन बचा है उससे ये मिठाई बनाएं, तो अब मैं आपको एक चीज़ याद दिला देती हूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ उसे ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह मैं आपके लिए नए नए वीडियोज़ लाती रहूँगी। ये सारा मिक्सचर मैंने इसमें डाल दिया है और हल्के हाथों से बस इसे दबाना है, अच्छे से नहीं दबाना है, जोर जोर से बस हल्के हाथों से इसे दबाएंगे और एक घंटे के लिए इसे ठंडा होने देंगे। ये देखिए एक घंटे बाद ठंडी हो चुकी है, किनारों से इसे छुड़ा लेते हैं। ये देखिए इस तरह से चाकू से छुड़ा लें आप किनारों से और ईजीली बाहर निकल आएगी, क्योंकि इसमें घी ऑलरेडी था तो वैसे भी हमने ग्रीस कर दिया है तो ईजीली बाहर निकल आएगी। बस थोड़ा सा टैप कर दें। ये देखिए वाओ कितनी शानदार बनके तैयार हुई है और बिल्कुल मिल्की, वही जो मिल्की बिल्कुल वैसा ही लग रहा है और टेस्ट भी गजब है इसका और टेक्सचर तो आप देख ही रहे हैं, काटने से ही पता चल रहा है और एकदम दानेदार सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाला और एकदम जूसी होता है कि आप जैसे मुंह में रखेंगे ना आपके मुँह में से लार टपकने लगेगी, बस इतना मस्त बनता है ये। तो बस इसको मैं आज लंबे लंबे मिल्की वाले ही शेप में काट रही हूँ, देख रहे हैं आप कितना अच्छा टेक्सचर है, दाने दाने खिले। तो अब जब भी मीठा खाने का मन करे तो आप इसे झटपट बना सकते हैं और भोग लगाना हो अगर तो भी बना सकते हैं आप इसे। और कितने कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, देखिए ज़्यादा चीज़ें भी इसमें यूज़ नहीं हुई और घी तो हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, तो बचे हुए सामानों का कितना अच्छा यूज़ हो गया है। एक कप दूध तो बच ही जाता है और ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी सी सूजी, थोड़ा सा बेसन और घी बिल्कुल नहीं और इतनी मस्त मिठाई बनके तैयार हो जाएगी। ये देखिए पीसेस मैंने काट लिए हैं और कितना शानदार लग रहा है ये मिल्क केक। त्योहारों का सीज़न आ रहा है, आप रक्षाबंधन पे भी इसे बना सकते हैं, तीज त्योहार पे आप इसे बना सकते हैं, सभी को पसंद आएगी ये मेरी गारंटी है। तो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको रेसिपी कैसी लगी है और आप अपने पसंद की कोई रेसिपी अगर मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आगे कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो मैं उसे ज़रूर ट्राई करूँगी। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।